पीएम मोदी ने इंटरव्यू में विपक्ष पर जमकर बोला हमला, जानिए 10 बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान पहला इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री के निशाने पर राहुल गांधी से लेकर पाकिस्तान तक रहा। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष के इरादों पर पानी फेरते हुए दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। देश की जनता निर्णय ले चुकी है, इसलिए विपक्ष को 2024 के बारे में सोचना चाहिए। एक दश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में मेरे सामने कोई प्रबल दावेदार नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के सामने यह विकल्प हो सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में देश की जनता के सामने कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में देश की जनता एक तरफा मन बना चुकी है। देश की जनता किसी और तुलनात्मक चेहरे की तलाश में नहीं है। दो देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवाद को देश के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वंशवाद की असली परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। नेताओं के बच्चों के चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां एक पार्टी एक कंपनी की तरह चलती है वहां परेशानी होती है। तीन देश राहुल गांधी की न्याय योजना पर पीएम मोदी ने कहा कि आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इनकी चार पीढ़ियां यही दावा करती आ रही है। नेहरू जी गरीबी की बात करते थे, इंदिरा गांधी भी गरीबी बात करती थीं, राजीव गांधी भी गरीबी की बात करते थे, सोनिया गांधी भी गरीबी की बात करती थीं, अब राहुल गांधी भी गरीबी की बात कर रहे हैं। देश में लगभग 55 साल तक इन्होंने राज किया, लेकिन रिकॉर्ड देखा जाएगा तो इस दौरान गरीबी लगातार बढ़ी है। चार डैश पीएम ने बताया, पुलवामा हमले के समय मैं उत्तराखंड में था। उस समय वहां बहुत तेज बारिश हो रही थी। वहां मेरी एक रैली थी जिसे मैंने फोन से संबोधित किया, लेकिन इतनी बड़ी रैली में इतनी बड़ी खबरों की चर्चा नहीं की जाती। ऐसे स्थिति में बहुत संतुलित व्यवहार करना होता है। उसे अगर कोई मुद्दा बनता है वो बड़ी राजनीतिक नासमझी है। पांच देश पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इमरान खान अपनी जनता के लिए जो चाहता है वो करें। हमारा तो बस ये कहना है कि आतंकवाद छोड़ दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारा पाकिस्तान की जनता से कोई झगड़ा नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। छह देश नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए पूर्ण बहुमत काफी होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत जरूरी होता है। भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है और इसके बाद हम सर्वमत से देश की सेवा करेंगे। पिछले 5 साल हम सभी दलों को साथ लेकर चले हैं, आने वाले 5 सालों में भी हमारी सबका साथ सबका विकास की नीति रहेगी। सात देश विपक्ष ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि उनके पास 250 जोड़ी कपड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मुझ पर 250 जोड़ी कपड़े रखने का आरोप लगा, लेकिन 250 जोड़ी कपड़े 250 करोड़ चुराने से अच्छा है। ये जनता को समझ में आ गया है। आठ देश पीएम मोदी ने कहा कि देखिए, जहां तक चौकीदार का सवाल है वो मैंने अपने लिए बोला था। मैंने 2013 से 14 के अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया था। चौकीदार सीटी या डंडा नहीं बल्कि एक स्पिरिट है, लेकिन विपक्ष ने इसका मजाक बना दिया। नौदेश उपग्रह भेदी मिसाइल ASAT की सफलता के मौके पर दिए गए संबोधन पर खड़े हुए विवाद पर पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोई छोटा दल या नेता ऐसी बात करता है तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी ऐसी गलती करती है तो बड़ी हैरानी होती है। कांग्रेस के बयान से ऐसा लगता है कि प्राथमिक जानकारी का अभाव है। 10 देश पीएम मोदी ने विश्वास के साथ कहा कि इस चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत और पहले से अधिक सीटों के साथ जीत मिलेगी, साथ ही एनडीए के साथियों को भी पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी। हम 2019 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं।